हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक बेलमेंट। पिछले क्लासेस में हम लोग क्या होता है बेलमेंट, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है बेलर बेली, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन का मतलब होता है टू टर्मिनेट, मतलब टू कैंसिल। बेसिकली टर्मिनेशन का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ बेलमेंट, या बेलमेंट कब खत्म हो जाता है, कम्स टू एन एंड। ठीक है, या हम समझ सकते हैं व्हेन बेलमेंट कम्स टू एन एंड। ठीक है, पहला बेलमेंट कब खत्म हो जाएगा, पॉइंट नंबर वन, ऑन एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड। मतलब जितना दिन के लिए बेलमेंट किया गया था, जो टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो बेलमेंट भी कम्स टू एन एंड। ठीक है, देखना, इफ द गुड्स आर गिवन फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट शैल टर्मिनेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। बोला कि एक फिक्स टाइम के लिए अगर बनाया गया था कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, सेकेंड, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस। जिस पर्पस के लिए गुड्स बेलमेंट किया गया था, वो पर्पस जब खत्म हो जाएगा तो उस दिन भी बेलमेंट कम्स टू एन एंड। ठीक है, इफ द गुड्स वर डिलीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अ बेलमेंट शैल टर्मिनेट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्पस। मतलब जिस काम के लिए बेलमेंट किया गया था, वो काम अगर खत्म हो जाता है तो बेलमेंट भी वहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नोटिस, जैसे वो ऊपर वाले एग्जाम्पल में था ना, जो रिपेयर करवाने के लिए दिए थे। अब सपोज रिपेयर खत्म हो गया, रिपेयर का काम खत्म हो गया, तो बेलमेंट कम्स टू एन एंड। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, बाय नोटिस, वेयर द बेली एक्ट्स इन अ मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट। मतलब बेली कुछ ऐसा करता है जो कि बेलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन से विपरीत है, अलग है। ठीक है, द बेलर कैन ऑलवेज टर्मिनेट। बेलर के पास अधिकार है कि बेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। बेलर कैन ऑलवेज टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बाय गिविंग अ नोटिस टू द बेली। बेली को एक नोटिस देकर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ ग्रेटिटियस बेलमेंट। ग्रेटिटियस याद है, फ्री वाला है ना, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। अ ग्रेटिटियस बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द बेलर एट एनी टाइम बाई गिविंग अ नोटिस टू द बेली। हाउएवर अ टर्मिनेशन शुड नॉट कॉज लॉस टू द बेली इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट डिराइव्ड बाय हिम। मतलब कम से कम जितना का उसको फायदा हुआ है, उससे ज्यादा का उसको नुकसान तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन केस द लॉस एक्सीड्स द बेनिफिट डिराइव बाय द बेली, द बेलर मस्ट कंपेंसेट दी बेली। अगर नुकसान ज्यादा हो जाता है जितना का बेनिफिट्स हुआ है, उससे ज्यादा का अगर लॉस हो जाता है, तो ये बेली का ड्यूटी बनता है, बेलर का ड्यूटी बनता है कि बेली को कंपेंसेट करेगा फॉर द लॉसेस। ठीक है, बाय डेथ अ ग्रेटिटियस बेलमेंट टर्मिनेट्स अपॉन द डेथ ऑफ इधर द बेलर और द बेली। ठीक है, किसी का भी डेथ हो जाता है, देन द ग्रेटिटियस बेलमेंट कम्स टू एन एंड। नॉन ग्रेटिटियस नहीं, नॉन ग्रेटिटियस में तो उसके जो फिर फादर का जैसे डेथ हो गया, तो सन करेगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा, है ना। लेकिन ग्रेटिटियस है, फ्री में है, तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस चीज के ऊपर बेलमेंट किया गया है, जो सामान के ऊपर, वो सामान ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, then the bailment comes to an end. ठीक है, अब bailment is terminated if the subject matter of the bailment is destroyed or there is a change is in the nature of the goods which makes it impossible to be used for the purpose of bailment. मतलब goods में ऐसा कोई changes आया है जिसके वजह से जिस काम के लिए उसको सोचा गया था, वो काम में उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। लॉस्ट गुड्स का फाइंडर
एक प्रकार का बेली है, इसीलिए यहाँ पर बेलमेंट में भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स इज अ काइंड ऑफ अ बेली, मतलब किसी और का सामान वो अपने पास रखा है और उसका ड्यूटी बनता है कि वो सामान को वो रिटर्न करेगा। ठीक उसी तरह जैसे एक बेली का ड्यूटी है सामान को रिटर्न करने का। ठीक है, अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स विच डू नॉट बिलोंग टू हिम इज कॉल्ड द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। जो सामान उसको बिलोंग नहीं करता है और वो सामान उसको मिला है, देन ही विल बी कॉल्ड एज द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड सरेंडर द गुड्स टू हिम। ये तो उसका ड्यूटी बनता है कि वो सही ओनर को खोजे और उस सही ओनर को वो सामान वापस करे। ठीक है, हाउ एवर द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू सू द ओनर फॉर कंपेंसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंसेस वॉलेंटरीली इनकर्ड बाय हिम इन फाइंडिंग द ओनर एंड प्रिजर्विंग द गुड्स फाउंड। लेकिन एक फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का ये अधिकार नहीं है कि वो ट्रू ओनर के खिलाफ केस फाइल करे, क्लेम करे एक्सपेंसेस जो उसका इनकर हुआ है। वो अपने मर्जी से किया है वो खर्चा, ट्रू ओनर नहीं बोला था वो खर्चा करने के लिए। ठीक है, बट ही हैज अ राइट टू रिटेन। लेकिन अगर ट्रू ओनर जो खर्चा किया है वो पैसा देने से मना करता है, तो हमारे पास अधिकार है कि हम सामान रख सकते हैं। हम पैसा क्लेम नहीं कर सकते, हम सामान लेकिन रख सकते हैं जो हमको मिला था। और अगर हम ट्रू ओनर को बोल सकते हैं कि अगर सामान चाहिए तो इतना रुपए हमारा खर्चा हुआ है, ये पैसा तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट द ओनर अंटिल ही रिसीव सच कंपेंसेशन एंड वेदर द ओनर हैज ऑफर्ड अ स्पेसिफिक रिवॉर्ड। जैसे हम इनाम निकालें कि जो भी ये सामान खोज के लाएगा हम उसको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। निकालते हैं हम लोग, कुछ खो जाता है, कोई बच्चा गुम हो गया, कुछ हो गया, हम निकालते हैं ना कि 1 लाख रुपए का इनाम देंगे जो उसको खोज कर लाएगा। ठीक है, द फाइंडर मे सू द ओनर फॉर सच रिवॉर्ड एंड मे रिटेन द गुड्स अंटिल देन। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है फ्रॉम द ट्रू ओनर। क्लियर इतना? तो बेसिक सा रूल इतना सा बोलता है कि जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है वो एक प्रकार का बेली है, उसका ड्यूटी है कि ट्रू ओनर को खोजेगा और सामान रिटर्न करेगा। लेकिन जो भी खर्चा उसका हुआ है सामान को रखने में, ट्रू ओनर को खोजने में, वो पैसा वो क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, वो ये कर सकता है कि गुड्स रख ले, अगर सामने वाला वो पैसा नहीं दे रहा है तो गुड्स रख सकते हो तुम, और अगर गुड्स रिटर्न करोगे तो तुम सामने वाले से वो पैसा क्लेम कर सकते हो। तो बेसिकली इतना सा बात है कि या तो गुड्स रख लो या फिर गुड्स रिटर्न करो और जो पैसा तुमको खर्चा हुआ है वो पैसा तुमको वापस मिलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है तुमको गुड्स रिटर्न करना है और पैसा वापस लेना है जो खर्चा हुआ है। लेकिन अगर वो पैसा खर्चा जो हुआ है देने से मना कर रहा है, तब तुम जाके गुड्स को अपने पास रख सकते हो। ठीक है, उसी का एनालिसिस दिया हुआ है, ये तुम रीड करना, वही चीज दिखा दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं पढ़ने से भी चलेगा। नेक्स्ट, फिर वैसे ही है, एक छोटा सा लॉ है और छोटा सा एनालिसिस। एनालिसिस वाला पार्ट नहीं पढ़ने से चलेगा, हम लॉ वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। ठीक है, देखना, वेर अ थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल इफ लॉस्ट द ओनर विद द रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड और इफ ही रिफ्यूजेस अपन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस द फाइंडर में सेल व्हेन द थिंग्स इज इन डेंजर ऑफ पेरिसिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। जब सामान पेरिशेबल नेचर का है, ठीक है, जैसे सब्जी है, फ्रूट्स है, ये सब है, तो इसको अगर स्टोर करके रखोगे और ट्रू ओनर को खोजने निकलोगे, तो इसमें तो ऐसा होगा कि जब ट्रू ओनर मिलेगा तब तो ये सामान किसी के काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो पेरिश हो गया होगा, खराब हो गया होगा। तो पेरिशेबल गुड्स के केसेस में तुम उसको बेच सकते हो ट्रू ओनर को, अगर नहीं मिल रहा है बाई चांस ट्रू ओनर, या ट्रू ओनर को खोजने का उतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो हम लोग सामान बेच सकते हैं और वो पैसा हम लोग ट्रू ओनर को वापस कर देंगे। ठीक है, व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये एक नया लॉ है, क्योंकि जब खर्चा जो है
खर्चा जो है ट्रू ओनर को खोजने का वो गुड्स का वैल्यू का 2/3 से ज़्यादा है, तो फिर उसको बेच ही दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे जैसे गुड्स है 30,000 का और ट्रू ओनर को खोजने का खर्चा जो है 20,000 से ज़्यादा है, तो लॉ बोलता है जब इतना खर्चा होगा ट्रू ओनर को खोजने में खाली, तो फिर ट्रू ओनर इस सामान को लेकर करेगा भी क्या, तुम इसको बेच ही दो। समझ में आ रहा है? दिस इज द लॉ रिगार्डिंग फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ठीक है, तो दो चीज पढ़े हम लोग अभी तक, एक है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, कब कब बेलमेंट टर्मिनेट होता है, और दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं वो है तुम्हारा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ठीक है, एक और टॉपिक है जो तुमको अच्छे से यहाँ देखना है, वो है जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। ठीक है, जनरल लियन मतलब, लियन का मतलब क्या है, राइट्स जो तुम्हारा गिरवी रखते हैं। ठीक है, दो प्रकार का है, एक है जनरल लियन और दूसरा है पर्टिकुलर लियन। ठीक है, देखना थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये वाला सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कन्फर ऑन बेली द राइट ऑफ जनरल लियन। ठीक है, बेली के पास क्या है, राइट ऑफ जनरल लियन। सेक्शन 170 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 कन्फर्स ऑन द बेली द राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। ठीक है, तो ये जनरल लियन पर्टिकुलर लियन होता क्या है, जनरल लियन मतलब कोई भी सामान जो जनरल बैलेंस है अकाउंट में, कोई भी सामान हम उसका अपने पास रख सकते हैं, उसको बोलते हैं जनरल लियन। और कोई पर्टिकुलर गुड्स के अगेंस्ट अगर हमारा अधिकार है सिर्फ, तो उसको बोला जाता है पर्टिकुलर लियन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर गुड्स है उसी के खिलाफ खाली हमारा राइट्स है, तो डेट इज पर्टिकुलर लियन। और इन जनरल अगर सारे गुड्स के अगेंस्ट हमारा राइट्स है, तो उसको बोला जाता है जनरल लियन। ठीक है, चलो थोड़ा मैं बता देता हूँ, वैसे थोड़ा डिफरेंस बिटवीन यहाँ दिया है, एक छोटा सा रीड करोगे तो कवर हो जाएगा। ठीक है, देखना, जनरल लियन एलिग्यूट्स टू द राइट ऑफ कीपिंग पोजिशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द अदर अगेंस्ट जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी पैसा ड्यू है और वो पैसा हमको नहीं मिल रहा है, तो हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं अपने पास, गुड्स हमको हम देने से मना कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर लियन में कोई पर्टिकुलर अमाउंट अगर नहीं दे रहा है, तो उसी के अगेंस्ट हम वो गुड्स को रख सकते हैं। कोई दूसरा अमाउंट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे, मतलब वो वाले गुड्स को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर लियन इंप्लाइज द राइट ऑफ द बेली टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स। एक पर्टिकुलर गुड्स को ही रख सकते हो तुम, सारे सामान को नहीं रख सकते, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट। अगर पैसा नहीं भी दे रहा है, तो एक पर्टिकुलर गुड्स को ही हम लोग अपने पास रख सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम सारे गुड्स को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम बैंक से एक लोन लिए सपोज, और मैं एक जमीन है, जमीन नंबर 1 ये वाला गिरवी दिया हूँ। ठीक है, अगर मैं ये लोन का पैसा नहीं चुकाता हूँ, तो क्या मेरा सारा जमीन बेच देगा, क्या सारा जमीन बेच देगा? नहीं, सिर्फ बैंक कौन सा जमीन को बेच सकता है, लैंड नंबर 1 को, क्योंकि गिरवी कौन सा रखा गया था, सिर्फ लैंड नंबर 1, बाकी जमीन गिरवी नहीं था, तो बाकी जमीन को बेच नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो जनरल लियन मतलब कोई भी सामान अपने पास रख सकता है, ठीक है, कोई भी पैसा ड्यू है उसके वजह से, और पर्टिकुलर लियन में है कि एक पर्टिकुलर सामान ही रख सकता है एक पर्टिकुलर अमाउंट के अगेंस्ट। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाया हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक रीड करना बस, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, जनरल लियन पर्टिकुलर लियन। ठीक है, बाकी देख लेना, तुम्हारे कॉलेज में अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना, कॉलेज में अगर मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ाएंगे ये, तो ये पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलो तो इतना ही, बेलमेंट में इतना पढ़ने से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेज स्टार्ट करेंगे, प्लेज क्या होता है और कैसे ये बेलमेंट से अलग है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू एंड